सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता। आंखों में समंदर भर के देखूं तेरी फोटो पर, तेरा हंसता चेहरा मुझे रोने नहीं देता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइस, मैं फिर से आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू सैड स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि आपने प्रीव्यू पर देख लिया होगा। तो गाइस, इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी बहुत ही आसान से प्रीव्यू के जैसे वीडियो ओनली वन फोटो का यूज करके बना पाओगे। तो गाइस, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइस, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो गाइस, चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोग को भी इन ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके पहले लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग को ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिस फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली इस फोटो को ऐप सिलेक्ट करके नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको ऐड कर लेना है। तो इधर से ऐड हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में ओरिजिनल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इधर से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। देन एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन नीचे आपका जो फोटो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसका ड्यूरेशन खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। देन इसे डन करके फिर से फर्स्ट पोजिशन पर चले आइए। अब यहाँ पर आप लोग को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को भी पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इधर से माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 8 बिटमार्क को ऐड करना है। तो गाइस, फर्स्ट बिटमार्क आप लोग यहां पे देख सकते हो 14.03 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहां पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले आना। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बिटमार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को इस तरह से खींचकर के पहले आप लोगों को सेकंड बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। देन थोड़ा सा आगे की तरफ जाके नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को दो हिस्सों में कर लेना है। देन इधर से सेकंड बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जो फर्स्ट पार्ट है फोटो का इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप कर लेना है बिटमार्क तक। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे फिर से स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। नेक्स्ट फिर से आप लोगों को बिटमार्क के ऊपर जाना है, नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को कट करना है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे बिटमार्क के ऊपर जाके नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फोटो को इस तरह से कट कर लेना है। देन आपका जो फोटो का लास्ट पार्ट है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना है। देन इधर से डन करके एकदम फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब यहाँ पे कोई भी एक फोटो के ऊपर आ जाइए, नीचे फर्स्ट पे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नीचे यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, इधर से आप लोगों को बिगिनिटी इफेक्ट के ऊपर आना है। नीचे यहाँ पे जो बिगिनिटी है इसको प्लस 100 करके नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को फोटो के ऊपर एक अलग सा डार्क इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। फिर से कोई भी फोटो पार्ट के ऊपर आ जाना है, नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फोटो को खींचकर के एकदम फास्ट पे ले आना है। नीचे बहुत सारे इफेक्ट मिलेगा, इधर से थोड़ा सा ढूंढ के जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसका ड्यूरेशन जितना दूर हो सके इसको करके नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस इफेक्ट को सारे फोटो पार्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना है। देन इधर से आप लोगों को खींच करके फर्स्ट फोटो पार्ट के ऊपर आना है। नीचे फिर से थर्ड नंबर पे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से इस फोटो इफेक्ट को चेंज करके आप लोगों को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन इसका ड्यूरेशन खींच के पूरा फोटो तक करके नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो यहाँ पर आपका जो फोटो का फर्स्ट पार्ट है इसके ऊपर एक अलग सा इफेक्ट रहेगा, उसके बाद में जितना भी फोटो पार्ट है उसके ऊपर अलग सा इफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। देन फर्स्ट पे आओगे तो फर्स्ट पे जो वीडियो है इसके ऊपर भी एक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसके ऊपर से इफेक्ट हटाने के पहले इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके नीचे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक
कर दीजिए, एकदम फास्ट पे नॉन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से बैक आ जाइए। तो इस तरह से वीडियो के ऊपर जो इफेक्ट था हट जाएगा। देन खिसका के फोटो के ऊपर आ जाइए, नीचे आप लोगों को बहुत सारा छोटा छोटा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो कोई भी प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसका ड्यूरेशन कम करके 0.4 सेकंड कर लेना है, नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से लाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पे फास्ट बिटमार्क के ऊपर आना है, यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है। तो इफेक्ट वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे बाएं तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन इधर से इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लीजिए। इफेक्ट वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद नीचे थोड़ा सा खींच करके फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। देन थोड़ा सा नीचे और जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। देन नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।